अगर आत्मा है तो कोई ना कोई निशान तो जरूर दिखना चाहिए। हो सकता है कि अफवाहें हों, कहानी जुड़ी भी तो हो सकती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, कॉल सेंटर सुनसान पड़ा था, इसलिए बिन्नी का तो यह नौकरी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये वाकई प्यार है या सिर्फ दोस्ती? कहीं मैं इस दोस्ती को प्यार तो नहीं समझ रही हूं। नहीं, ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती से कुछ ज्यादा ही गहरा ये रिश्ता। तो क्या ये प्यार है? हर्ष, वो देखो, ये लाइटें ऑन हो गई। लगता है आत्माएं आ गई। चलो चलकर देखते हैं, देखते हैं आत्माएं हैं या कोई और। चलो ये लिफ्ट तो पांचवें माले पे रुकी हुई है। लेकिन पांचवें माले पे तो कोई जाता ही नहीं, फिर ये लिफ्ट वहां क्या कर रही है? चलो ऊपर चल के देखते हैं, पांचवें माले पे। ये क्या, ये लिफ्ट अपने आप ही नीचे आ रही है। संभल के, अंदर कोई भी हो सकता है। क्या बात है बॉस, आप सब लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं किसी सर्कस का जोकर हूं। तुम पांचवें माले से आ रहे हो? हाँ, तो तुम कहाँ गए थे? उस कॉल सेंटर में? हाँ, तुलन ग्लोबल, आज मेरा वहां इंटरव्यू था। इंटरव्यू? पर इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे नौकरी भी मिल गई। ये देखिए मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। एनीवे मैं चलता हूं, ये खुशखबरी मेरे दोस्तों को सुनानी है। अगर उस कॉल सेंटर में वाकई आत्माएं हैं, तो उन्होंने इसे कैसे छोड़ दिया? हो सकता है कि वो आत्माएं अच्छी हो। अच्छी हो या बुरी, वो तो ऊपर जाकर ही पता चलेगा। ये दरवाजा बंद कैसे हो सकता है? अभी अभी तो लड़का इंटरव्यू देके गया था इसे। और जब हम दिन में आए थे तब तो खुला था, आप अचानक। ये आवाज कहां से है? मुझे लगता है ये आवाज वहां से आ रही है। चलो आवाज इस तरफ से आ रही है, कोई इस तरफ से आ रहा है। चलो है कौन ये लोग और चाहते क्या है? इस कॉल सेंटर में कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस कॉल सेंटर के मालिक से मिलना चाहिए। अब वही देगा हमारे इन सवालों का जवाब। अच्छे लोग हैं,
मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे मुझे कोई नुकसान, सच कह रहा हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं अपना अपना ख्याल रख रहा हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखो, समझे ना अंकल। ये आप किससे बात कर रहे हैं? तुम सोचो सही, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया, मैं कैसे समझाऊं? नहीं, मैं ये आप किससे बात कर रहे हैं बाबा? मेरे सिवा बाबा, ये आप किससे बात कर रहे हैं? बाबा, तुमने मुझे बाबा कहा? विशु भी यही कहता था मुझे बाबा। विशु? विश्वनाथ आपके बेटे का नाम था ना? अभी उसी से तो बात कर रहा था मैं। क्या? पर वो तो मर चुका है। दुनिया के लिए वो मर गया होगा, पर मेरे लिए वो जिंदा है, हमेशा मेरे साथ रहता है। वो किसी को दिखाई नहीं देता सिवाय मेरे। पर ये सब हुआ कैसे बाबा? उन लोगों ने जान ले ली। किन लोगों ने? आप किसकी बात कर रहे हैं? कहीं उन कॉल सेंटर वाली आत्माओं की तो नहीं? कॉल सेंटर? तुम लोग गए थे वहां? नहीं जाना चाहिए था। वो कॉल सेंटर नहीं, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान जहां मुर्दे नहीं जिंदा लोग गाड़े जाते हैं, जिंदा लोग। बाबा, हर मौत के पीछे एक वजह होती है, एक मकसद होता है। उस कॉल सेंटर में भी जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, जिस वजह से वो कॉल सेंटर नहीं मौत का घर बन चुका है। हुआ था, और इस सब के लिए जिम्मेदार था मेरा बेटा विश्वनाथ, और उसे अपने किए की सजा चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। ऐसा क्या किया आपके बेटे ने कि सिर्फ वही नहीं और भी मासूम लोग मारे जा रहे हैं? उस जगह पर कॉल सेंटर बनने से पहले मेरा एक छोटा सा कारखाना होता था, जहां गरीब बेसहारा बूढ़े काम करते थे, पर मेरे लालची बेटे ने उस कारखाने को बंद करवा के वहां कॉल सेंटर बनवाना चाहा था। तो फिर वो बेचारे बेरोजगार हो गए होंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने विश्वनाथ को साफ कह दिया कि वहां कोई कॉल सेंटर नहीं बनेगा। फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बेटे ने उन सारे बूढ़ों को मरवा दिया, जहरीली गैस छिड़कवा कर विश्वनाथ ने मरवा डाला उन सब। पर एक बात भूल गया हूं कि किसी की चिता की आग पर लालच की रोटियां नहीं सेकी जाती। उन बेबस बेसहारा बूढ़ों की आत्माओं ने मार डाला उसे और हर उस इंसान को जो उस कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ था। कितनी बार मिन्नत की उनसे माफी मांगी, लेकिन नहीं सुनते। वो लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। देखोगे? देखना चाहोगे तुम लोग? क्या हम देख सकते हैं?
रुको, यही रुको। ये देखो, सब के सब शिकार हो गए विश्वनाथ के लालच की। राघव ने जिस बुरी औरत की फोटो खींची थी वो शायद इन्हीं के कारखाने में काम करती होगी। हाँ, हो सकता है। चलो देखते हैं, देखते कहीं वो बुरी औरत इनमें से एक तो नहीं। ये डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कह ले, ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स की साइंस कोई भी जवाब दे, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक ना एक दिन तुम जरूर उठोगी, अपने राघव के लिए, अपने इस प्यार के लिए तुम्हें तुम्हें उठना ही होगा। मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना। यहाँ क्या कर रही हो? ये तो क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ रुक जा बिल, मरना होगा, तुम्हें भी मरना होगा। मेरे सारे राज जान गए हो, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बिली मर गई, पर ये तो एक आत्मा थी, ये कैसे मर सकती है? आत्मा नहीं मरी, सिर्फ बिनी का शरीर मरा है। वो आत्मा बिनी के शरीर के अंदर घुसी हुई थी, अब शरीर नहीं रहा तो वो आत्मा दूसरा शरीर ढूंढने की कोशिश करेगी। उन आत्माओं को अलग अलग शरीर चाहिए, इसीलिए तो वो लोगों को कॉल सेंटर बुलाती थी इंटरव्यू लेने के लिए। राघव, वो फोटोग्राफ दिखाना। ये तो वही औरत है। हाँ वही औरत,
इससे पहले कि ये दोबारा हमें यहाँ ढूंढने आए, हमें उसे ढूंढना होगा उस कॉल सेंटर में। शायद ये इंटरव्यू देने जा रहा है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, आखिर पता तो चले कि इंटरव्यू के बहाने यहाँ पे होता क्या है। विच फ्लोर? पांचवा माला। मैं भी वहीं जा रहा में। जब हम आए तो यह जगह कितनी अजीब थी, और अब देखो। पता नहीं इस लड़के के साथ क्या होने वाला है, कहीं इसकी भी बलि ना चढ़ जाए। एक्सक्यूज मी, सुनिए, इंटरव्यू के लिए आया हूं। कहां जाना होगा इंटरव्यू के लिए? मैनेजर की केबिन में, सीधे जाकर लेफ्ट। रिकॉर्डिंग शुरू करो, देखो कुछ दिख रहा है नहीं। कोई नहीं दिख रहा, सारी की सारी आत्मा है। क्या तेरी इस ऑफिस में तो सारे बूढ़े थे ना, ये जवान लड़का यहाँ क्या कर रहा? शायद ये भी फंसा हुआ हो इन सब के बीच। नहीं, देखकर तो लगता है जैसे ये भी मिला हुआ इन सारी आत्माओं के साथ। तुम ठीक कह रहे हो, ये भी एक आत्मा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे, ये नौकरी देके। इसमें एहसान की क्या बात, तुम जैसे जवान लोग नहीं रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? या सर, सर मैं अब चलूं, कल से आता हूं काम पे। थैंक यू। जाने से पहले अपने साथियों से नहीं मिलना चाहोगे? हाँ हाँ सर, मिलवाइए ना। कैसे सभी फोन बजने बंद हो गए? मुझे तो लगता है कि इनमें से किसी की आत्मा आज ही कब्जा करेगी इसके शरीर पर। राकेश जी, आया सर।
ये आज से आपके साथ काम करेंगे। हेलो, बड़ी खुशी हुई आपसे। ये कैसे हुआ? मैं आपको छू क्यों नहीं सका? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? बड़ा अच्छा लगा। मैं अच्छी बाकी। ओनो, ये लोग इसका भी वही हाल कर रहे हैं जो बिनी का किया। वैसा नहीं होने दूंगा। नहीं यार, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। लेकिन यामी, हमें कुछ तो करना होगा। ये क्या? कॉल सेंटर की शिफ्ट खत्म हो गई। चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चलो। आइए आइए, इंटरव्यू के लिए आए। मैंने तो सोचा था कि आज के इंटरव्यूज खत्म हो गए। चलो कोई बात, हमारे यहां तो इतना काम है कि जितने भी लोग आए कम पड़ जाते। चलिए इनको काम पे लगा देते हैं। ये कैसी जगह? बाहर आने के बदले हम और अंदर बंद हो गए। अगर हमने यहां से जल्दी नहीं की, हमारा भी यही हाल होने वाला है। लगता है सामान इन आत्माओं का है। आत्माओं की आवाजें आनी बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहां से बाहर निकलने का। चलो। तुम लोगों ने क्या सोचा था
ये मामूली सा दरवाजा तुम्हें आत्माओं से बचा लेगा। यामिनी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद मैनेजर ही वो आदमी था जिसकी वजह से ये सारी आत्माएं इंसानी शरीर से जुड़ी हुई थी, और इस मैनेजर को खत्म करके इन सारी आत्माओं को हमने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चलो, अब ना ही इस कॉल सेंटर में कोई इंटरव्यू होगा और ना ही किसी की जिंदगी जाएगी। हाँ, हमने इन आत्माओं को तो खत्म कर दिया है, बस सिर्फ उन आत्माओं को ढूंढना बाकी है जिन्हें नया शरीर मिला है। चलो। आपने मुझे ये नौकरी दिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया। कैसी बातें कर रही है? इसमें एहसान की कोई बात नहीं। मैं इस कॉल सेंटर की नई मैनेजर हूँ, और इसमें काम करने के लिए जवान लोग तो चाहिए ही, है ना? चलिए, लेट हो रहा है।